जी ये आज सामान है जो हम जा रहे हैं, मैं जा रही नीचे, नीचे पेटी पे रखने जा रहे हैं हम लोग, पेटियां जो है वो सारी नीचे, तो ये सामान उठा के अब पेटियों में फंस जाना है, जो उठाए हैं। और कुछ मसरूफियत की वजह से ना मेरा डेली व्लॉग नहीं आ रहा था, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपनी डेली जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो आज जो है वो हमारे फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बस आप लोगों से भी दुआ पुरजोश अपील है कि दुआ कीजिएगा कि हमारे फंक्शन जो है वो खैरियत से ना गुजर जाए। तो इसलिए आए ग्लासेस उतार रहे हैं क्योंकि बोलती हूँ तो स्मोक जो है वो सारी ग्लासेस को धुंधला कर रही है। तो आज जो है वो हमारे जो है दुआ खैर का फंक्शन है, क्योंकि जो भी काम करना चाहिए वो अल्लाह ताला के नाम से करना चाहिए। और इतना इम्पोर्टेंट काम, इतना ज़्यादा इस ज़िंदगी का एक सबसे अहम जो है वो हिस्सा है एक शादी जो है, क्योंकि इसी से हमारी ज़िंदगी का, अगली ज़िंदगी का आगाज़ है। तो हमने सोचा क्यों ना दुआ खैर जो है वो सबसे पहले करवाई जाए, उसके बाद हमारे बाकी जो फंक्शन हैं वो स्टार्ट होंगे। तो जी आज ये देखें हमारा जो है वो ये पेटियाँ शेटियाँ भी आ चुकी हुई हैं, अभी तक इनमें ना सामान शिफ्ट नहीं किया हुआ, ऐसे ही ये पड़ी हुई हैं, अब इनमें सामान भी शिफ्ट करना है। और यहाँ पे ये पंखा पड़ा हुआ है और बाकी सामान जो है वो सारा इधर ही तकरीबन पड़ा हुआ है। वहाँ पे वॉशिंग मशीन तो छत पे है, सिलाई मशीन वगैरह पड़ी। और ये कमरे का हाल जो है वो शादी के मेहमान आ चुके हैं, तो इसलिए जो है ना सारा को घर जो है वो इतना भी बिखरा नहीं है, लेकिन बिखरा ज़रूर है। बिखरा नहीं कह सकते आप इसे, आप इसे कह सकते हैं कि भरा भरा है, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं, जाहिर सी बात है सामान तो आना ही है उनके साथ। तो बाहर जो है वो शोर से आपको महसूस हो रहा है, वो जो है तो यासीन वगैरह पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रही थी, तो मैं ना अभी छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा अपनी ये देखें वीडियो जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैं मिलाती हूँ आपको एक अहम पर्सन से, वो मेरे मियाँ साहब से। चलिए आपको मिलाते हैं उनसे, क्योंकि वो आ चुके हैं। आपको हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि वो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक मैंने जो है ना वो उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी जो है वो यूट्यूब फैमिली से। तो आज जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। चलिए आपको पहले मैं उनसे मिलवा के लाती हूँ। जी ये हैं मेरे मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आप ठीक हैं? मैं तो ठीक ही हूँ, अब मैं ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। मैंने कहा आपको ना इंट्रोड्यूस करवा दें हमारी यूट्यूब फैमिली से। आप इनके ना ये टिंट हो गए, क्योंकि माशाल्लाह से ये ना उमरा करके आए हैं, इसलिए ये गंजे हैं। ये बाल आ रहे हैं अभी, देखें बाल आ चुके हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन हो चुके हैं उमरा की हुए। तो जी आज जो है अभी ये लोग जा रहे हैं बाहर, रब्बू लगे हुए हैं हादिया को तंग करने। ये लो लो जी, हादिया जा रही है अपने पास। नहीं कहती कोली दे दो मुझे, वही बस हो रही है। और बाहर जो है वो यासीन वगैरह सब पढ़ रहे हैं, तो सब लोग यासीन वगैरह पढ़ रहे हैं। पर आपने तो पत्थरों
जी ये आज सामान है जो हम जा रहे हैं, मैं जा रही नीचे, नीचे पेटी पे रखने जा रहे हैं हम लोग, पेटियाँ जो है वो सारी नीचे, तो ये सामान उठा के अब पेटियों में पैक करना है, जो उठाएंगे हाँ जी इधर से उठा के ले जाएंगे, तो अभी हम चलते हैं नीचे और जाके पेटियों का जायजा लेते हैं। हाँ ये पेटियाँ हमने खोल दी, टेंशन ना लें। पेटियाँ जो है वो हाफ करनी है, यहाँ से हमने खोल ली, अब इसके अंदर हम सामान रखेंगे, उनको भी नीचे रखें, वहाँ से भी कपड़ा भी लेके आओ। हाँ जी जाओ जी, आप भी लेके आओ जाओ, बच्चे जो हैं वो शौक शौक से हमारे साथ काम करवा रहे हैं। तो पेटियाँ हमने रख ली हैं स्टैंड के ऊपर, भी यहाँ पे अब हम बिस्तर रखने लगे हैं इनमें। यहाँ पे जी ड्रेसिंग को पिनअप किया जा रहा है, ब्राइड ड्रेसिंग। ये दुल्हन दुल्हन के तो निकल लिया बाहर से। कुछ कपड़े हो चुके हैं, ये देखिए ये ड्रेसेस जो है ये भी अटैची में जाने हैं, क्योंकि बाकी सारा सामान चला गया है। आज वीडियो नहीं बनाई क्योंकि क्यों वीडियो नहीं बनाई हमने आज, क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। हमारे घर में ये थोड़ी सीन होता है कि जी काम कोई और करे और हम लोग बस यही काम करें, सारे काम खुद ही करने होते हैं, इसलिए ये सामान जो है वो आज चला गया है। और अभी जो है ब्राइड के ड्रेसेस जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। इतना प्यारा लग रहा है ना ये सीन, ये जो है ना वो शादी के कपड़े हैं इन सब में, ये बैग जो है ना ये शादी के कपड़ों के बैग हैं। बाकी जो है वो खाली हो गया, ये भी दुल्हन का एक अटैची है जिसमें ये कपड़े जाने हैं, तो बाकी सारा जो है वो काम हो चुका है। तो अब इंशाल्लाह बाप से मुलाकात हो, ये फंक्शन में, वो फंक्शन कौन सा होगा उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग। तो इंशाल्लाह बाप से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।